भाई ये सामने जो इमारत नजर आ रही है इधर कहाँ देख रहे हैं, सामने वाली ये इतनी बड़ी इमारत नजर नहीं आ रही। ये आप लोगों ने ये जो पर्दे हैं क्यों बंद किए हुए हैं इस तरह वाले, पीछे पीछे के पर्दे जो आप भाई खड़े हुए हैं, ये सामने इमारत है जी, ये सामने वाली, इसी के नीचे शैतान के बड़े पिल्ले पिला रहे हैं। ये शैतान वाली इमारत अग्नि, ये पूरा मीना का खूबसूरत मंजर है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज के तमाम मकामात की ज्यारत मुकम्मल कर ली, आगे उसके बाद आ रही है जो ज्यारत, उसका नाम है जबल नूर, जिसकी चोटी के ऊपर गार हिरा। तकरीबन 5-7 मिनट बाद इंशाल्लाह हम वहां पर पहुंचेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आगे सुरंग आ रही है, जैसे हम सुरंग को क्रॉस करेंगे हम फिर आगे मीना के खेमे दोबारा से शुरू हो जाएंगे। सुरंग आ गई, जबले नूर जिसकी चोटी को बरगार हीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले यहां तशरीफ फरमाते, आपकी खिदमत के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ फरमाती और आपकी खिदमत करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चोटी पर तशरीफ फरमाते कि हजरत जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए। हजरत जिब्राइल अमीन के 600 पर हैं, कितने 600, उन 600 परों में से इसी पार पर सिर्फ और सिर्फ दो पर खोले, एक बार मशरिक की तरफ एक बार मगरिब की तरफ, और सर आसमान पर टकरा रहा था, इतना बड़ा फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा हुए। हजरत जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, अल्लाह की वही लेकर आया हूँ, अल्लाह की पहली वही जो इस पहाड़ पर उतारी गई, कुरान मजीद की पहली 5 आयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन 'अलक़, इक़्रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी 'अल्लमा बिल क़लम 'अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान मजीद की 5 आयत इसी पहाड़ पर नाज़िल फरमाई गई, जिसका नाम जबल नूर, जिसकी चोटी को बरगार हीरा, जिसकी चोटी को बरगार हीरा। इस पहाड़ की बुलंदी 3,000-3,500 फुट की बुलंदी है। इसी पहाड़ के ऊपर जाने में कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है, उसके बाद जो है नीचे उतरने में 1/2 घंटा-1.75 घंटा लग जाता है। टोटल जो टाइम है 2 से 2.5 घंटे में हर बंदा ज़ियारत करके वापस नीचे आ सकता है जबल नूर, जिसकी चोटी के ऊपर गारे रहा। सबसे पहले हमने कौन सी ज़ियारत की थी, सबसे पहले जबल सो, उसके बाद हम अरफात आए, फिर जबल रहमत की ज़ियारत की, फिर मस्जिद निमरा, फिर मुज़दलिफा, फिर मस्जिद मशारिल हराम, फिर मीना, फिर वादी मुहसर जहाँ अबाबिल हमला किया, फिर मकाम इस्माइल अलैहि सलाम जो हमने गाड़ी पीछे की थी, फिर मस्जिद अल खैफ, फिर जमरात और ये मीना। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच के आगे हम करेंगे जबल नूर, ज़ियारत भूलना नहीं है। तकरीबन 15 से 16 मकामात की ज़ियारत है अल्हम्दुलिल्लाह।